और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप। अब से थोड़ी देर पहले खिलाड़ियों की मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई है और बारबाडोस से आज ही लौटी है टीम इंडिया। और ये तस्वीर निकल के सामने आई, कोच राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा कप्तान, विराट कोहली और उसके अलावा टीम इंडिया के वो सभी जांबाज और विजेता खिलाड़ी जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप को देश के लिए जीता है। दिल्ली आकर सबसे पहले पीएम आवास पर सभी खिलाड़ी प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तकरीबन 2 घंटे तक उनसे मुलाकात की, सबके साथ चर्चा की, उनसे बातचीत की, उनके अनुभवों के बारे में पूछा और हंसी मजाक के माहौल में भी ये पूरी मुलाकात चली। प्रधानमंत्री मोदी की चैंपियंस के साथ ये मुलाकात तकरीबन 2 घंटे चली है और ताज़ा अपडेट ये है कि टीम इंडिया अब वहां से रवाना हो चुकी है मुंबई के लिए। तो एक एक करके सभी खिलाड़ियों से उनके अनुभव पूछ रहे हैं। सभी खिलाड़ियों ने लगातार अच्छा परफॉर्म किया है, अपने ग्रुप में लगातार टॉप पर बनी रही टीम इंडिया और उसके बाद फाइनल के दिलचस्प मुकाबले में उसने साउथ अफ्रीका को हराया और T20 वर्ल्ड कप शानदार तरीके से भारत के नाम किया। तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक ग्रैंड वेलकम आज टीम इंडिया का हो रहा है। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मुलाकात की है, उसके बाद मुंबई जाकर वहां पर उनका सम्मान समारोह होगा और बाकायदा एक विक्ट्री परेड भी निकाली जाएगी। तो उस पूरी टीम के कोच राहुल द्रविड़ और ये टीम इंडिया के सभी विजेता खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई गई इस दौरान। सभी के साथ बातचीत प्रधानमंत्री ने की, एक एक खिलाड़ी से उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप के अनुभव के बारे में पूछा। एक खिलाड़ी के परफॉर्मेंस के दौरान बहुत से ऐसे पल आते हैं जब वो प्रेशर में भी होता है, कई बार कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा होता है, फॉर्म में चल रहा है तब भी लोग प्रेशर में होते हैं, तो इस सब से जूझते हुए लगातार जीत के रथ को आगे बढ़ाए रखना और उसके बाद ट्रॉफी को जीत करके ले आना, ये अपने आप में एक जर्नी की तरह होती है। शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शंकर, तस्वीरें हम देख रहे हैं टीम इंडिया के विजेता खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात काफी खुशनुमा माहौल में चल रही है, एक एक खिलाड़ी से बातचीत कर रहे हैं और हर बार हमने देखा है चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक्स हो या एशियन गेम्स हो, जो खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं उनका अलग से सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनके साथ एक 1-to-1 कनेक्शन जो है उसकी तस्वीर सामने आती है। तो T20 वर्ल्ड कप का इतने सालों बाद भारत के लिए जीत कर आना और प्रधानमंत्री मोदी की खिलाड़ियों के साथ ये मुलाकात उसी सिलसिले का हिस्सा। निश्चित तौर पर देखिए, कहा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो वो खुद एक कहा जा सकता है खेल प्रेमी हैं और क्रिकेट के बहुत बड़े प्रशंसक जो हैं वो कहा जा सकता है। और जिस तरह से अगर पिछले बार की बात करें, पिछले बार भी देखने को मिला था वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैच देखने के लिए गए थे, हालांकि उस वक्त में फाइनल में बहुत अच्छा खेलने के बावजूद भी जो है इंडिया टीम उस वक्त में हार गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए नजर आए थे और उस वक्त में उन्होंने एक जीत का मंत्र दिया था कि उत्साह को बनाए रखें और अगर उत्साह को कंटिन्यू करते हैं तो निश्चित तौर से अगली बार आपकी जीत होगी। और इस बार जिस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम जीती है और कहा जा सकता है उनके उत्साह वर्धन के लिए और एक उनके सम्मान में आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे का वक्त लगभग मुकर्रर किया था कि उनके साथ में बैठ करके बातचीत करना, उनके साथ में उन तमाम मसलों को जानना कि किस तरह से वो जीत का जुनून था, किस तरह से भारतीय टीम के अंदर में वो उत्साह था और जो रोमांच था उस फाइनल मैच का, उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे। तो अब सीधे वहां से निकलने के बाद क्रिकेट भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो सीधे पहुंची है आईजीआई एयरपोर्ट और आईजीआई एयरपोर्ट से सीधे वो मुंबई के लिए रवाना होंगे और मुंबई में आज तकरीबन 4 बजे के लगभग में 4 से 4:30 बजे के बीच में इंडियन क्रिकेट टीम वहां पहुंचेगी। उसके बाद वहां पर जो कहा जा सकता है कि इंडियन टीम के शान में आज बहुत ही बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से वहां पर जिस तरह से व्यवस्था की गई है, वहां उनके वेलकम का, उनका इस्तकबाल का वहां पे एक व्यवस्था किया गया है। तो कहा जा सकता है कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या देश के आम लोगों की बात करें, हर कोई आज इस बात को लेकर गर्व से आज फूले नहीं समा रहा है कि जिस तरह से भारतीय टीम, भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत के आई 2020 मैच क्रिकेट का। और उसके बाद हालांकि 3 दिन का वक्त जरूर लगा क्योंकि 3 दिन बारबाडोस में की बात करें वहां पर जिस तरह से वहां पर तूफान की स्थिति आई थी और उसके बाद भारत सरकार के द्वारा कल जिस तरह से विशेष विमान भेजा गया और वहां से आज सुबह में 6 बजे भारतीय खिलाड़ी आज दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और उसके बाद आज 10 से 12 बजे का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया था और अभी तकरीबन 12:30 बजे के बीच में
भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी यहां से प्रस्थान हुए हैं, तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से उन तस्वीरों को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन खिलाड़ियों से विस्तार से चर्चा करते हुए देख रहे हैं और उन खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह की स्थिति थी, किस तरह से वो जज्बा और रोमांच का वो पल था जिस तरह से वो फाइनल मैच को जीता गया, उन तमाम मसलों पर विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और एक एक खिलाड़ी के साथ वो कॉन्वर्सेट कर रहे हैं और काफी यहाँ पर आप देखिए बीच बीच में ऐसा लग रहा है कि गपशप के अंदाज में भी चीजें चल रही हैं। हार्दिक पांड्या से वो बात करते हुए दिख रहे हैं, अलग अलग खिलाड़ियों का नाम लेके, और मुमकिन है कि शायद मैच के दौरान कुछ ऐसे मूवमेंट्स रहे हों क्योंकि पीएम खुद एक क्रिकेट प्रशंसक हैं और खेलों से काफी लगाव है उनका, मैचेस भी वो देखते हैं। आज वो पल देखने को मिल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं तो वो जो आखिरी ओवर है उस आखिरी ओवर के बारे में जरूर जिक्र कर रहे होंगे। हार्दिक पांड्या देखिए वो मुस्कुराते हुए भी नजर आ रहे हैं कि जब उनको वो ओवर दिया गया और किस तरह से वो ओवर के वक्त में किस तरह से उनके अंदर में बात रही होगी, किस तरह से वो टेंशन रहा होगा और उस वैसे विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से बेहतर तरीके से बॉलिंग की गई, तो वो आखिरी ओवर का जो मैच था उसके बारे में विस्तार से जरूर चर्चा की गई होगी और खासतौर पर सूर्य कुमार यादव का जो वो कैच लेना उसके बारे में विशेष तौर पर चर्चा हुई। एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक कुछ ऐसे पल होते हैं जिससे कि आप देश के उन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हैं जब आप उनके साथ में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक तरह से कहीं ना कहीं खेल का जो असर होता है उसको और बेहतर करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह का कई प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई बार देखने को मिला है। और क्रिकेट की अगर बात करें तो क्रिकेट में जब जब ऐसा हुआ है तब तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन खिलाड़ियों के साथ बैठे हैं, बातचीत किए हैं और उनका जोश जज्बा को आगे बढ़ाने का प्रयास किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस चर्चा के लिए।